सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक और ट्रिक सिखाता हूँ। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए लैपटॉप लिया, या फिर आप किसी भी छोटे के लिए लैपटॉप लेते हैं, 10th में 12th में तैयारी कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि वो कुछ वेबसाइट्स पे ना जाए, तो आप उसके लैपटॉप में से कुछ वेबसाइट ब्लॉक करना चाहते हैं। तो आज वो ईजिली कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये आपको लोकल डिस्क तो आप जानते होंगे, सबके कंप्यूटर में होता होगा। यहीं पर मैं एक लोकेशन बताऊँगा, उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तो आप लोकेशन ध्यान से नोट कर लीजिए। तो उस लोकेशन पर जो मैं टाइप करूँगा वो भी नोट कर लीजिएगा, वो आप नोट कर देंगे और आपका वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगा। चलिए तो आपको लोकेशन दिखाता हूँ। पहले लोकल डिस्क सी में जाएंगे, फिर हम विंडोज़ में जाएंगे, फिर यहाँ सर्च करना है System32 का फोल्डर होगा, फिर आपको यहाँ पे एक ड्राइवर्स नाम से फोल्डर होगा, फिर यहाँ पे etc, फिर होस्ट फाइल होगी। आपको होस्ट फाइल को ओपन विथ करना है, ओपन विथ में नोटपैड आएगा और एक IP एड्रेस होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉक्सी होता है। जो प्रॉक्सी, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड हो गए, प्रॉक्सी जो कंप्यूटर में रिवर्ट कर देता है कोई भी आप वेबसाइट खोलना चाहते हैं। तो बस आप इस आपको ये IP एड्रेस टाइप करना है, उसके आगे जो भी वेबसाइट ब्लॉक करनी है उस वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैंने 127.0.1 पे www.youtube.com लगा दिया है, और youtube.com भी, ये दोनों ही आपको ऐड करना पड़ेगा। कोई भी वेबसाइट डालनी है तो आपको www के साथ और बिना www के साथ भी करना पड़ेगा। और फिर इसको, इस फाइल को आप सेव कर देंगे, फाइल सेव कर दीजिए, फिर इसे कट कीजिए। फिर एक काम और करना है आपको, स्टार्ट मेन्यू में टाइप कीजिए CMD, इसे कीजिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे लिख दीजिए /DNS capital, ये हो जाएगा आपका। देन आप क्रोम ओपन करिए, आप कोई भी साइट सर्च कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम सर्च करेंगे हम तो आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम इज फुल्ली वर्किंग। अब हम देखते हैं जो हमने साइट ब्लॉक किया है वो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आइए सर्च करते हैं youtube.com। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है कनेक्ट टू द इंटरनेट, यू आर ऑफलाइन। सो हमने सक्सेसफुली यूट्यूब ब्लॉक कर दिया है। के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल